पेड़ पे जाके बजी आज। तो इन्होंने तो गंद मार रखा है, इन्होंने नीचे रखी सारी गाड़ियां अपनी, पूरी बस जाके पेड़ पे चिपड़ गई। अच्छा अच्छा प्लास्टिक नहीं छोड़ेगा, अच्छा अच्छा फिर ठीक है। ये वाला ये नियोन कलर में सोच रहा हूँ मैं, इसके ऊपर पूरा नियोन करा के उसके बाद इसमें हल्की हल्की जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की करा दूँ। ये सारी चीज़ें ये आपने बनवाया मिल जाता कहीं? ये बनवाना पड़ता तभी मैं देखूँ, जुगाड़ बड़ा खतरनाक है। तो भाई येलो एंड ब्लैक में कैसे लगेगी बाइक अपनी, एवल जरूर कमेंट करना, और अगर आपके मन में कोई थीम है तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। वेलकम बैक टू डिजिटल वंस अगेन। तो भाई आज हमारी जो एवल है ना, इसका साइड का जो फेयरिंग है पूरा निकल रखा है। आप जैसे आप लास्ट टाइम दिखाया था, तो अगर प्लास्टिक वेल्डिंग करानी तो भाई जाली वाली प्लास्टिक वेल्डिंग कराओ, इससे क्या रहता है आपकी बाइक के जो पैनल है थोड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है। छोटे मोटी पैनल में कराता था उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही, बट अभी जो मैंने इसके लिए थीम सोच रखी ना भाई, येलो एंड ब्लैक में थीम सोच रखी कि इसके ऊपर येलो ग्राफिक प्लस ब्लैक कलर की, दोनों मतलब दो कलर रहेंगे येलो एंड ब्लैक। तो भाई येलो एंड ब्लैक में कैसे लगेगी बाइक अपनी, एवल जरूर कमेंट करना, और अगर आपके मन में कोई थीम है तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। ये वाला ये नियोन कलर में सोच रहा हूँ मैं, इसके ऊपर पूरा नियोन करा के उसके बाद इसमें हल्की हल्की जो आउटलाइन है वो ब्लैक कलर की करा दूँ। ये सारी चीज़ें तो आप जरूर कमेंट करना कैसा लगेगा, अगर आपको सही लगता तो कमेंट करो, नहीं लगता तो आप कोई सजेस्ट कर सकते हो तो वो भी कमेंट करो। पेड़ पे जाके बजी आज। तो इन्होंने तो गंद मार रखा है, इन्होंने नीचे रखी सारी गाड़ियाँ अपनी, पूरी बस जाके पेड़ पे चिपड़ गई। मेरा ये चार्जर है ना टूट गया भाई कल को, तो इसे यहाँ से हटा के यहाँ लगाना, क्योंकि इसमें फ़ोन होल्ड करने में बड़ी दिक्कत आ रही, फ़ोन इस पर टच होता है और ढंग से लग नहीं रहा, तो मेरे को नीड पड़ रही फ़ोन इसमें होल्ड करने की। वैसे मेरे को कभी नीड नहीं पड़ी, मैं यहाँ सिर्फ चार्ज यूज़ करता था गोप्रो के लिए, बट इस बार मेरे को नीड है। तो ये यहाँ से हटा देंगे यहाँ आज का बीच में, और दूसरा इसका पीछे का टेल टाइट है उसे चेंज करवाना है, और तीसरा भाई हमारा इसका कलर को चेंज करवाना है। तो कौन सा कलर करवाएं मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी भी, तो आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा कलर करना चाहिए। वही थीम हम इसके ऊपर लाने वाले अपने एवल पे, जल्दी अब इसकी मॉडिफिकेशन आने वाली है, तो लाइटें होगी है, तो फटाफट निकलते हैं। किस सेक्टर जाएंगे आपको दिखाऊंगा मैं कौन से वेल्डिंग करवानी चाहिए अपने प्लास्टिक के पार्ट्स में, क्योंकि जो हम प्लास्टिक वेल्डिंग कराते हैं वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं करते काम में, कुछ दिन बाद टूट जाती है ऑटोमेटिकली। तो लास्ट टाइम मैंने ऐसे करवा करवा के 3-4 बार में पैसा वेस्ट कर लिया, इस बार नहीं करना। अच्छा कौन सी जाली जालोगे आप अंदर? अच्छा ये वाली जाली जाएगी, हाँ तो भाई ये वाली जाली जाएगी भाई, इसके अंदर पूरा पैनल मजबूत हो जाएगा भाई, वहाँ से नहीं टूटेगा दूसरी जगह बने जाएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई, ये क्या टेक्नोलॉजी है? अच्छा छोटा सा हीट के लिए वो रखा अंकल ने ना, ये आपने बनवाया या मिल जाता कहीं? ये बनवाना पड़ता था मैं देखूँ, जुगाड़ बड़ा खतरनाक है। कोई नहीं मैं घुमा देता हूँ, आप कर लो वाला हो जाएगा। वैसे हीट कर करके करना पड़ता सारा, ये टूटेगा तो नहीं ना वैसे बाद में? बब 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 फिर ठीक है। अच्छा अच्छा प्लास्टिक नहीं छोड़ेगा, अच्छा अच्छा फिर ठीक है। तो इस वाले पैनल में देखते हैं अंकल किस तरह फिट फिट करेंगे ऐसे, उस वाला अगर चलो इजी था इसका देखते हैं। पकड़ूं इसे? नहीं पकड़ना। अच्छा 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 मुझे लगा इसमें भी देख लो, पूरी सेटिंग बैठा रहे हो यार, जो उसका सेफ रहेगा वैसे देंगे उसे पूरा डिज़ाइन। दबाना पड़ता दबा के ना, जब तक पूरा अंदर ना घुसे। तो भाई ये प्लास्टिक वेल्डिंग होने वाला कुछ ऐसा दिख रहा है पैनल अपना, अब इसे इंस्टॉल करेंगे। तो भाई ये प्लास्टिक वेल्ड सॉरी प्लास्टिक नहीं जाली वाली वेल्डिंग है, पूरी कंप्लीट हो चुकी है, काफ़ी सही लग रही है मेरे को, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। इससे तो बेटर ही भाई ये जो देखो अभी ओरिजिनल पीस है, इससे तो बेटर है, इससे तो हिल भी है, सेम है मतलब, पर टूटे ना यार, अंकल तो कह रहा है टूटेंगे नहीं। पूरा काम प्रॉपर हो चुका है, अंकल जी हमारे सामने जा रहे हैं, थैंक यू अंकल जी। तो ये है भाई पैनल, और मैं आपको प्राइस बता देता हूँ, देखो 200 में आपको प्लास्टिक वेल्डिंग करा रहे हैं, एक ही बार कराओ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी, दो नया लोगे तो भाई 1700-1800 रुपये का पैनल है, और वैसी बिल्ड क्वालिटी जैसे पहले थी, बट अभी भाई मज़ा आ रहा है। ये वाला पैनल भी जल्दी इसके बाद आने वाला है, मतलब काम पे भी आएगा, सीट की रह गया और इसका भी लैमिनेशन का रह गया, तो ग्राफिक वर्क कराएंगे। तो अभी लास्ट एक और मेरा प्रॉब्लम आ रही भाई, ये देख रहे हो ये चार्जर था जो मेरा टूट गया, तो इसका जुगाड़ कराएंगे, जावेद भाई कर पाएगा इसका काम, और तो कोई करने वाला नहीं हिला इसका, तो जावेद भाई बस चलते हैं और इसे भी करवाते हैं सबसे पहले। अरे भाई ऊपर ही चढ़नी चढ़ाना है क्या भाई का? ओ भाई क्या ले जावेद भाई, और सलमान उस्ताद पूरी बाइक के ऊपर लेट रखे हो, खास हो क्या? ये जुगाड़ करना भाई, बस गया ये यहाँ पर करवाना है इस बारी, इधर देख सलमान। अरे भाई बड़ा इग्नोर कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब कोई नहीं भाई, मूसा को बुलाना पड़ेगा, इग्नोर कर रहा है, कहा है मूसा, मूसा तेरा भाई सलमान इग्नोर कर रहा है भाई, कैसा है?
हाँ भाई हमें कहाँ पूछेगा यार, तू मेरी बाइक का कर पहले, मैं लेट हो रहा हूँ यार, ये माउंट का जुगाड़ करना भाई। ये सलमान को तो बेटा कोई नहीं बड़ा हो रहा, तो कोई नहीं टाइम आएगा मेरा भी, इसका यहाँ पर करवा दे यार। जुगाड़ किया अपने मूसा भाई ने हमारी बाइक के लिए, और इसी को इस बार इंस्टॉल करेंगे। इसमें अपना माउंट फिट हो जाएगा, तो जो रेडी किया वो ये वाला हिस्सा है। ओ भाई गर्म लग रहा अभी भी, ऊपर पकड़ी से आगे से तो है, झंझनाहट मिल जाती है, झंझनाहट। चलो फिर रेडी करते हैं, और अपना जुगाड़ पूरा रेडी हो गया भाई। गर्म है ये जुगाड़, मेरे को पता नहीं लगता, बट भाई यहाँ तो सारे जुगाड़ बन जाते हैं। आ जाओ भाई अपनी जावेद भाई के शॉप पे, सारे जुगाड़ रेडी है यहाँ पर, अंदर से निकाल लो उसे, बाहर को ज़्यादा से रहेगा। हाँ ऐसे में ये भी ठीक है। सलमान भाई को आ गया एटीट्यूड, तो आप काम किसे करवाना, मूसा उस्ताद से। सलमान देख नहीं रहा, सलमान कहाँ देखेगा इस टाइम। सलमान अब बड़ी बाइकों में काम करता, छोटी बाइकों को कहाँ लगाएगा यार, है नहीं भाई, बड़ा बंदा बन चुका हो। हाँ अब तो बड़ा बंदा है, गरीबों को नहीं देखेगा, बड़ी बाइकों में काम करेगा, सुपर बाइक सुपर। छोटी बाइकों में हाथ नहीं लगाता है, छोटी मोटी बाइकों में हाथ नहीं लगाता है भाई, बड़ी बाइक ओनली, बड़ी बाइक को हाथ लगाएगा। सलमान अब बड़ा हो गया, रेट हाई हो गया। करें ठीक है भाई, मिलते हैं, बाय। सलमान तो बड़ा बंदा हो गया, अब कहाँ हम जैसा पूछेगा, अब तो हमारे तरफ देखेगा नहीं, अब तो इग्नोर मार रहा सीधा, कह रहा कौन है भाई तू, क्या ये पिट शॉप का है, ग्रैंड पिट शॉप का। अमुकुल बैठ जा, पहला काम कराने आया था भाई मैं अपना, ये जो माउंट था ना ये टूट गया था कल, तो ये मैंने ऐसा जुगाड़ कर दिया भाई, बहुत खतरनाक हो गया और मस्त हो गया, ये कहीं नहीं जाने वाला। दूसरा भाई मेरा टेल पैनल टूट रखा था, तो यहाँ मैंने इसे वो करवाया लैमिनेट, वो था प्लास्टिक वेल्डिंग करवाई, वो भी स्टील के जाले लगवा के, एवल एकदम रेडी हो चुकी है। इसमें कुछ अब कलर की सोच रहा था मैंने सोच रखा इसे येलो एंड ब्लैक में कराऊंगा, अगर आपको सजेस्ट करें तो आप मेरे को बता सकते हो, येलो ब्लैक में रख रहे हैं किसी और थीम में रख रहे हैं, बट अभी मेरे को येलो एंड ब्लैक लग रहा है। रीजन क्या, जो ये पैनल आ रहा है ना पूरा मेरा ब्लैक रहेगा, इसका जो ये आउटलुक है जैसे ये है, तो ये पूरा येलो में रहेगा, मतलब ये जो हिस्सा है अंदर का ये पूरा ब्लैक, और ये साइड का पूरा येलो हो जाएगा, साइड में पूरी फेयरिंग मेरी येलो, और इसका जो ये जैसे एंड का हिस्सा है ये वाला है एचिंग, ये ब्लैक से हो जाएगी। तो ऐसे करके सोच रहा हूँ, येलो एंड ब्लैक की थीम सोच रहा हूँ।